तो पार्ट थ्री रॉकी भाई के स्केच बनाने में उसमें हमारा फोकस रहने वाला है, पहले तो हेयर्स, देन बियर्ड, देन कोट जो उन्होंने पहन रखा है उस पर, और जो उनकी मूंछ है मेनली भाई गजब उस पर रहने वाला है। तो हर बार की तरह सब्सक्राइब तो करना ही है, हमारा 2000 सब्सक्राइबर का हमारा गोल है वो कंप्लीट करना है बहुत जल्दी, तो सब्सक्राइब कर दो जितना जल्दी हो सके। तो स्टार्ट करेंगे पहले तो हेयर्स बनाने में, तो हेयर्स पे ही हम पहले फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पिछले पार्ट में हमने लास्ट में बात की थी कि कुछ पार्ट्स डायरेक्शन वहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है हेयर्स की, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था कि जो पार्ट्स जो हमें जहाँ पे डिज़ाइन में हाइलाइट्स दिख रही है वो पार्ट छोड़ दिया था हमने। ब्लेंडिंग जब हमने की थी हमारा मेकअप ब्रश से, उसी से जो हमने आसपास वाले वो जो डार्कर पार्ट्स थे उसी का पाउडर यूज़ करके जो व्हाइट कलर का पार्ट हमने छोड़ रखा था उसको ब्लेंड कर दिया था, उस पर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था। देन फाइनली हमने यूज़ किया था सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे जो हमें डार्कर दिख रहे हैं, इसी तरीके से हम डिज़ाइन दे पाएंगे हेयर्स को। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जो सबसे नीचे वाले हेयर्स देखो अगर आप रॉकी भाई के, वहाँ पे हेयर्स कर्व हो रहे हैं मतलब सर्कल में आ रहे हैं सबसे नीचे वाले पार्ट। तो बहुत सारे हेयर्स हैं, करोड़ हेयर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हार्ड चारकोल पेंसिल उसको जितना हो सके उतना शार्प कर लो, और शार्प करना नहीं आता अगर आपको आपकी पेंसिल्स को इन आर्टिस्टिक वे में कैसे करते हैं तो आई बटन चेक करो आपको मिल जाएगा, और टूल्स भी सारे मिल जाएंगे आपको बाय करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं यूज़ करता हूँ ये पूरे ट्यूटोरियल बनाते टाइम। तो हेयर्स वो छोटे छोटे हेयर्स बनाने के लिए आप पैलेट सर्कल में घुमाते जाओ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है पूरा वीडियो टाइम लैप्स में इसीलिए आपको फास्ट दिख रहा होगा, बट आपको धीरे में देखना है तो मेरी सेकंड चैनल स्विच कैसे 2.0 वहाँ पर रियल टाइम में ये पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ जाके। तो पहले छोटे छोटे हेयर्स बनाओ हार्ड चारकोल पेंसिल से जितना भी हो सके, और फोकस करो कि आप जितना हो सके उतना बॉक्स बाय बॉक्स जाओ कि ये बॉक्स में इतने हेयर्स दिख रहे हैं उतने ही बनाओ, मतलब जितने भी दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 दिख रहे हैं तो 10,000 बनाओ, ऐसा नहीं है, आपको जितना वॉल्यूम में दिख रहे हो उतने ही हेयर्स बनाओ। देन अगेन उसको ब्लेंड कर दो आप आपके मेकअप ब्रश या कुछ भी है उससे, और जैसे कि आप फोकस करो कि ईयर के जस्ट नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डार्कर है, तो उसके लिए आप वो डार्कर पार्ट को बनाने के लिए आप आपकी हार्ड चारकोल पेंसिल को ही कंटिन्यू घिस सकते हो और उससे आप डार्कर बना सकते हो। देन अगेन डार्कर पार्ट आपको कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक दिख रहा है तो वो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक पार्ट ही बनाना है। देन अगेन यूज़ करो आपका मेकअप ब्रश, उसको ब्लेंड करो, देन फाइनली यूज़ करो मोनो इरेजर जहाँ जहाँ आपके आपको हाइलाइट्स दिख रही है। तो फॉर तीन टाइप के लेयर्स हेयर्स के हो गए, सबसे नीचे वाला लेयर था वहाँ पे कर्व बन रहे थे, बीच वाला लेयर हेयर्स था वहाँ पे स्ट्रेट थे, और सबसे ऊपर वाला पार्ट था वहाँ पे घूम के मतलब सर्कल होके नीचे आ रहे थे, तो आपको डायरेक्शन हमेशा पता होनी चाहिए। तो अब जो कोट पहन रखा है रॉकी भाई ने उसको बनाने के लिए बहुत ईजी है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करो, आप डायरेक्टली भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट मैंने पहले चारकोल पाउडर से बेस लेयर बना दिया, देन ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करके ग्रेड्स इंक्रीज किए, और जो कॉलर है वाइट कलर का उसके ऊपर कुछ भी मत करो, उसको वैसे क्या वैसा ही छोड़ दो। आप ग्रेफाइट पेंसिल आपके पास है उससे शेड कर दो जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लाइटर पार्ट्स दिख रहे हो, जैसे कॉलर के नीचे वाला पार्ट है थोड़ा बहुत वाइट है वहाँ पे आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो। नाउ अब हमारा मेनली फोकस रहेगा मोस्टेज मतलब जो हमारे क्या रॉकी भाई की मूंछ है वो, और बियर्ड पे रहेगा मतलब उनकी दाढ़ी पे। तो मूंछ और दाढ़ी में पहले मूंछ पे बात कर लेते हैं कि मूंछ के ऊपर वाला पार्ट है लिप्स के ऊपर वाला पार्ट, तो लिप्स तो इतने ज़्यादा डिटेल्स में है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे मूंछ की। तो मूंछ के छोटे छोटे हेयर्स आपके हार्ड चारकोल पेंसिल से बनाओ, सबसे ऊपर वाले हेयर्स नीचे जा रहे हैं, फिर मीडियम वाला पार्ट देखो तो हेयर्स थोड़े बहुत साइड में जा रहे हैं, और सबसे नीचे वाला पार्ट है हमारे जो मूंछ का वो ऊपर जा रही है, मतलब स्टाइल बना रखी है, ऑफकोर्स स्टाइल तो है ही वो मूंछ की, तो ऊपर जा रही है। तो ये तीनों डायरेक्शन देख रहे हो, हार्ड चारकोल पेंसिल से सारे पहले हेयर्स बना दो छोटे छोटे, देन अगेन यूज़ करो आपका मेकअप ब्रश पूरा ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करते टाइम भी जो हमेशा मैंने बोला है कि डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन में ब्लेंडिंग करो मेकअप ब्रश से, देन अगेन यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जैसे जो मूंछ का पार्ट है सबसे नीचे वाला पार्ट वो ऊपर जा रहा है वो ही सबसे ज़्यादा डार्कर है, तो वहीं पर आप यूज़ कर सकते हो आपकी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जिससे हमें डार्कर लुक मिले।
अब हम बात करते हैं बियर्ड। बियर्ड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसके अंदर, तो वो डिटेल्स देने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले तो पेशेंस रखना है। पेशेंस कहीं पे भी अगर आप घुमा दोगे तो कुछ पार्ट्स ऐसा ड्राइंग टाइप दिखने लगेगा, जैसे बियर्ड के जैसे गाल जहाँ पे वहाँ पे बियर्ड है वो थोड़ी बहुत कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप हार्ड चारकोल पेंसिल से पहले सबसे पहले बहुत छोटे छोटे हेयर्स बना दो हार्ड चारकोल पेंसिल से, जितने भी छोटे हो सके। और उसमें भी डायरेक्शन है, जैसे बियर्ड जो आगे वाली बियर्ड है जो नीचे जा रही है उसके डायरेक्शन, हेयर्स की डायरेक्शन नीचे जा रही है, थोड़े बहुत लेफ्ट साइड वाले हेयर्स देखो तो वो ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कंटिन्यू ऊपर नहीं जा रहे हैं बट थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं। और सबसे ऊपर वाले पार्ट देखो, जैसे ईयर के राइट वाला पार्ट है जहाँ पे कलम भी बोल सकते हैं, वहाँ पे जैसे हेयर्स जा रहे हैं वो थोड़े बहुत डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तीन टाइप के डायरेक्शन बियर्ड में बन रही है, तो ये डायरेक्शन पे आपको फोकस करना चाहिए। जितना हो सके जूम करो, हार्ड चारकोल पेंसिल को जितना हो सके उतना शार्प कर लो, क्योंकि हेयर्स अगर आप आपके फादर है, अगर आप गर्ल कोई भी आपके खुद के बियर्ड या कुछ भी हो तो आप उस पर फोकस करो कि हेयर्स कैसे जा रहे होते हैं, कैसे फोकस कर सकते हो कि हेयर्स कहाँ पे कर्व होते हैं ये सब। तो छोटे छोटे हेयर्स को बना दो पहले हार्ड चारकोल पेंसिल से, देन यूज़ करो आपका मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश सिर्फ डायरेक्शन में जाओ, जैसे कि बियर्ड के राइट साइड वाला पार्ट अगर आप देखो, बीच वाला पार्ट बियर्ड का है वो थोड़ा बहुत डार्कर है, तो उन्हीं पार्ट को आप ज़्यादा ब्लेंड करो। मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे भी है बियर्ड के जो थोड़े बहुत लाइटर दिख रहे हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत, तो उन्हीं पार्ट्स को आप ब्लेंड करो आपका मेकअप ब्रश से। देन अगेन ब्लेंड करने के बाद यूज़ करो मीडियम चारकोल पेंसिल। मीडियम चारकोल पेंसिल से थोड़ी बहुत डार्कर होती है, तो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे जो डार्कर है। देन फाइनली यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, उसको भी शार्प करके सिर्फ उन्हीं जगहों पे रखो जहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत आपको डार्कर बियर्ड दिख रही है, और आपकी बियर्ड तैयार हो जाएगी। बट अभी भी चेरी ऑन केक ये है कि आपका जो पास आपके पास जो मोनो इरेजर है उससे हाईलाइट्स बना दो और आपकी बियर्ड रेडी होगी और आपका पूरा स्केच भी रेडी है। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, बाय बाय। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टैटूज़।